राधे राधे दोस्तों, आज मैं कार्तिक महात्म का दूसरा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। द्वितीय अध्याय। श्री कृष्णचंद्र जी बोले, हे प्रिय, उधर गुणवंती ने अपने पिता तथा पति का राक्षस द्वारा मरण सुना तो वह दुखित होकर विलाप करने लगी। वह बोली, हाँ प्राणनाथ, हाँ पिता, तुम मुझको त्याग कर कहाँ चले गए? अब मैं आप लोगों के बिना असहनीय हो गई। हाँ, मैं क्या करूँ? अब भोजन वस्त्रादिकों को कौन मेरा पालन पोषण करेगा? कोई कार्य भी करने का सहूर मुझे नहीं है। अब कौन स्नेह से मुझे विधवा का पालन करेगा? मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूँ, क्या करूँ? हाँ, मैं ऐसी घृणित हो गई, मुझ पर देव का कोप हुआ। अब मैं किस तरह जीऊँ? मैं बड़ी पापनी हूँ। श्री कृष्ण जी बोले, चिल पक्षी की भांति रोती हुई गुणवंती व्याकुल होकर वायु से झकझोरे हुए केले के वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर गई। बहुत देर के बाद होश में आई तो फिर बहुत विलाप कर दुख से विकल होती हुई शोक सागर में डूब गई। तदंतर अपने घर की अनेक वस्तुएं बेचकर उसने बड़ी सावधानी के साथ यथाविधि पिता पति का श्राद्ध आदि कर्म किया और भगवान विष्णु की भक्ति में रत होकर वह शुद्ध और शांत भाव से इंद्रियों को बस में करके उसी पुरी में रहने लगी। जन्म से मरण प्रयत्न वह एकादशी तथा कार्तिक के व्रत को विधिवत करती रही। हे प्रिय, ये दोनों व्रत मुक्ति भुक्ति तथा पुत्र संपत्ति देने वाली और मुझको अत्यंत प्रिय है। जो मनुष्य तुला की संक्रांति पर सूर्य के आने पर कार्तिक मास में सवेरे के समय स्नान करते हैं, वे यदि बड़े से बड़े पापी हो तो भी मुक्त होकर पूज्य माने जाते हैं। जो लोग कार्तिक में स्नान जागरण दीपदान तथा तुलसी वृक्ष की रक्षा करते हैं, वे विष्णु के समान पूज्य माने जाते हैं। जो प्राणी कार्तिक में भगवान विष्णु के मंदिर की सफाई और भगवान का पूजन करते हैं, वे प्राणी जीवन जीते ही मुक्त हो जाते हैं। जो प्राणी कार्तिक में 3 दिन भी नियम पालन करते हैं, वे देवताओं के भी पूज्य माने जाते हैं। तब भला जिन्होंने जन्म भर व्रत किया है उनका क्या कहना? इस तरह गुणवंती मन लगाकर प्रतिवर्ष कार्तिक का व्रत और भक्तिपूर्वक विष्णु भगवान की आराधना करती रही। एक समय की बात है, गुणवंती रोग के कारण दुबली और ज्वर से पीड़ित थी। इस दशा में भी धीरे धीरे गंगा स्नान को गई। वह जल में स्नान करने को उतरी तो ठंड से कांपने लगी। उस बिहल अवस्था में ही उसने गगनमंडल में आते हुए विमान को देखा। उस पर शंख चक्र गदा और पद्म आदि विधिवत आयुधों से युक्त तथा विष्णु रूप धारण करने वाले पार्षद विद्यमान, गरुण की ध्वजा से युक्त और अप्सराओं गणों से सुसेवित उस विमान पर गुणवंती को चढ़ाकर चवर डुलाते हुए विष्णुगण उसे वैकुंठ में ले आए। उस विमान में बैठी हुई वह प्रदीप्त अग्नि के समान लगती थी। इस प्रकार वह कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे निकट आ गई। बहुत समय बाद वह जब ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना से मैं इस लोक में आया, तब मेरे साथ मेरे गण भी आए। हे भामिनी, ये सभी यादव मेरे गण हैं। देव शर्मा विप्र जो उस जन्म में तुम्हारा पिता था, वह इस जन्म में सत्राजित यादव हुआ है। और उस जन्म के तुम्हारे पति चंद्र शर्मा अक्रूर हुए हैं। तुम वही दुखिया गुणवंती हो। उस जन्म के कार्तिक व्रत के पुण्य से ही मुझे तुम अत्यंत प्यारी हुई। उस समय मेरे मंदिर के द्वार पर जो तुमने तुलसी का बागीचा लगाया था, उसी के पुण्य से आज तुम्हारे घर में कल्प वृक्ष सुशोभित है। तुमने जो पुण्य जन्म में कार्तिक मास में दीपदान किया था, उसी पुण्य के इस समय तुम्हारे देह में शोभा है और घर में लक्ष्मी का वास है। उस समय तुमने जो व्रतादिक पति स्वरूप भगवान को अर्पण किए थे, उसके फल से इस जन्म में तुम मेरी भार्या हो। जन्म से लेकर मरण पर्यंत जो तुमने कार्तिक का व्रत किया था, इसी से कभी भी मेरा तुम्हारा वियोग नहीं होगा। इस तरह जो मनुष्य नियम से कार्तिक मास भर व्रत करेंगे, वे सब मेरे ही पास रहेंगे और तुम्हारे समान प्रिय होंगे। नाना प्रकार के यज्ञ दान व्रत तथा तप करने वाले प्राणी को जो फल प्राप्त होता है,
वह कार्तिक व्रत का षोडशांश भी नहीं होता। अपने पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव का वृत्तांत सुनकर सत्यभामा बहुत प्रसन्न हुई और संसार के आदि कारण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण चंद्र को प्रणाम करके बोली, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।